यानी व्हेन अ पर्सन इज डाइंग राइट, तो आपकी जारी बात है कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आप बीमार हो, आप बुजुर्ग हो, आप पैरालिसिस हुआ है अल्लाह माफ करे, या कोई एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए ना आपको अपनी होंठ भी हिलाने की जरूरत नहीं है. ट्राई इट, मैं चाहूंगा हमारे सारे विश्वास करें, यानी यू कैन से ला इलाहा इल्लल्लाह एंड योर माउथ डजंट इवन हैव टू मूव, यानी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम में मेरे पूरे होंठ हिल रहे हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में ना मेरा मुंह इसी तरह होगा, आई कैन जस्ट डाई लाइक दैट. साइंस भी बताती है कि जब बंदा ऑलमोस्ट जब मरने वाला होता है ना, जो भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना वो आ जाता है. बहुत सारे लोग ऐसे सिंगर्स हैं मौत के वक्त होते तो मुसलमान ही, उनको कहा गया कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन गाने निकल आए मुंह से. ये इसका मतलब है कि वो वॉलंटरी नहीं होता. एग्जैक्टली, वो आप चाह के आप नहीं कर सकते, यानी द रियल यू कम्स आउटसाइड एट दैट टाइम. देखिए जो सकरातल मौत है ना, जिसको हम स्टूपर्स ऑफ डेथ कह सकते हैं, जिस टाइम पे ना एक इंसान एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ डेथ पे होता है, उस टाइम पे ना आपके मुंह से वही निकलेगा जिस पे आपकी जिंदगी गुजरी. अगर आपकी जुबान जिंदगी में ना तर रही है अल्लाह के जिक्र से ना, तो ऑटोमेटिकली फिर ये निकलेगा. अगर आपकी जुबान तर रही है गाना बजाना और ये मैथमेटिक्स और नंबर क्रंचिंग और ये जी मेरे इतने मिलियन हो गए, अब इतने मिलियन हो गए, तो आपके जुबान से फिर यही निकलेगा. और इवन मैं बताऊं, इमाम इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह की जो किताब है दवाई शाफी, उसमें तो वो एक बड़ी लंबी लिस्ट देते हैं उन लोगों की जो तारीख में जिनको कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो नहीं बोल सके. बहुत लंबी लिस्ट है वो, कि कोई गाने सुना रहा है, कोई फलां कर रहा है, कोई बिजनेस की बात कर रहा है, कोई सोने चांदी की बात कर रहा है, कोई दिनर दिनार की बात कर रहा है, जिस बंदे के जिस पे लाइफ गुजरी है वो उसी तरह से मरा. आप ठंडे पाँव हो और आपका किसी ईंट के साथ या कोने के साथ नाखून उंगली के जोर से लग जाए ना, तो आपके मुंह से बे इख्तियार आपके जो सबकॉन्शियस में जो आपने ट्रेनिंग दी हुई है अपनी जुबान को ना, सोचने से पहले वो सबकॉन्शियस पहले ही वो ऑर्डर जारी कर देगा और वो जुबान से निकल आएगा. रिफ्लेक्स, अगर आपने ट्रेनिंग ये की हुई है ना कि वो लगा है आपको और आपके मुंह से निकलता है अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, तो इंशाल्लाह आपके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलने के चांसेस है. अगर आपके मुंह से कुछ और निकलता है ना, इसके अलावा गाली निकलती है अल्लाह माफ करे जी, या कुछ भी निकलता है, तो फिर ये देख लें, इससे यूं समझ लें कि जिसकी ट्रेनिंग आपने अपने आप को की हुई है ना, जिस पे आपकी जिंदगी गुजरी है, ऑल ऑफ अ सडन जब आप किसी क्लैमिटी से आपको किसी कोई हिट करेगी ना चीज, आपके मुंह से वही निकलेगा. और अगर आप मौत के वक्त वो बोलते हुए मर गए, तो फिर क़यामत के दिन वही बोलते हुए खड़े भी किए जाएंगे, उस दिन जब अल्लाह ताला सख्त जलाल में होंगे, उस वक्त आप अल्लाह ताला की नाफरमानी की चीज़ बोलते हुए उसके सामने खड़े हो रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा.